विदिशा जिले के गंज वासुदा नगर में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करने के लिए क्षेत्र की विधायक लीना जैन द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों पर जाकर गाइडलाइन का पालन करने के लिए नागरिकों से अनुरोध किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने और स्वयं की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि मास्क, डिस्टेंस, सैनिटाइजर का निरंतर उपयोग करें। गंज वासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या संदेश दिया जा रहा है आपकी ओर से जनता को? आज मैं शहर में इसलिए आई कि मेरे को लगा कि लोगों को एक बार जागरूक दोबारा से करना चाहिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आपने देखा है कि कहीं ना कहीं अब हमारे पर दुखद घटनाएं सुनने में ज़्यादा मिलने लगी। मैं सभी को जागरूक करने का यही मेरा मकसद है कि आप सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आवश्यक ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, और अगर बहुत आवश्यक है तो कृपया मास्क का प्रयोग करें और शासन प्रशासन का भी सहयोग करें, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कहीं ना कहीं आज हमें बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ काम करना है। और मैं एक और निवेदन सबसे करूंगी, वैक्सीन अति आवश्यक है। कृपया हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाएं। 1 तारीख से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने लगे। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, वैक्सीन अति आवश्यक है। आप लोग जरूर इसको लें और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखें। अभी जो देखने में आ रहा है कि आम पब्लिक फिर भी रोडों पर घूम रही है, कहीं ना कहीं कोई मान नहीं रहा है, और दुकानें भी कई व्यापारी ऐसे हैं कि खोले हुए 30-40 ग्राहकों को बैठाकर अपना काम धंधा चालू कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों और लोगों के लिए मैं सभी से बस एक ही निवेदन करूंगी, अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ हमें अपने आस पास के लोगों को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए जो नियम कायदे प्रशासन ने बनाए हुए हैं उनका पालन करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम जिंदगी है तो कमा लेंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि जिस तरह से आपने पहले भी लॉकडाउन में कई समाज सेवियों द्वारा, आपके द्वारा भी कई घरों तक भोजन पहुंचाया गया है, आज ये भयभीत स्थिति, भयानक स्थिति हो चुकी है कि हर आदमी परेशान है। तो कुछ घर ऐसे हैं कि कमा के रूप में घर चलता था, उनके लिए आपकी ओर से क्या सुझाव है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त कर दिया है। इसलिए मुझे तो लगता है कि गरीब परिवार जो हैं उनको मुफ्त का जो 3 महीने का राशन अभी उपलब्ध हो गया होगा, इससे उनकी अभी की समस्या तो खत्म है। आगे अगर कभी भी समस्या आई तो मैं आपको और सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे वासुदा के नगर समाज सेवियों के साथ मिलकर हम लोग फिर वैसे ही बाजार में आ जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे और कहीं भी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और किसी को कैसे भी परेशान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।